बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के जो कि हम क्लास सिक्स साइंस चैप्टर नंबर फोर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर वन से चैप्टर नंबर थ्री तक की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, एवरी एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ आवर बॉडी टू कीप अस अलाइव नीड्स एनर्जी। हमें जिंदा रखने के लिए हमारे जिस्म की हर सरगर्मी और फॉल को एनर्जी दरकार है। तो इसका आंसर हमें लिखना है यस। यस लिख के जो क्वेश्चन है वो ही आपने इसके अंदर लिख देना है। नेक्स्ट है जी, व्हाई डू वी ईट फूड, इन व्हाट फॉर्म आर वेयर द फूड वी ईट इज प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज्ड। हम खुराक क्यों खाते हैं, जो खुराक हम खाते हैं वो किस शक्ल में और कहाँ प्रोसेस और इस्तेमाल होती है। तो इसका जवाब आपने लिखना है, वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म बॉडी एक्टिविटीज, द फूड वी ईट इज प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज द सेमी सॉलिड फॉर्म इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जिस्मानी सरगर्मियों के सर अंजाम देने के लिए दरकार एनर्जी के असूल के लिए खुराक खाते हैं। खुराक जो हम खाते हैं नीम ठोस शक्ल में हमारे निजाम में प्रोसेस होकर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है, आर द मीट पोटैटो फ्रूट ईटीसी यूज इन आवर बॉडी एज सच लाइक द यूज ऑफ सेपरेट पार्ट इन द मशीन। क्या हमारे जिस्म में इस्तेमाल होने वाले गोश्त या आलू फल वगैरह ऐसे है जैसे मशीन है स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल। तो आपने लिखना है नो। नो लिखे आपने लिख देना है। क्वेश्चन जो है द मीट्स आपने स्टार्ट करना है और इन मशीन तक कंप्लीट करना है। और पहले क्वेश्चन में आपने लिखना था यस और बाकी जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर होना था। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की जानिब। तो क्वेश्चन की तरफ आया तो सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक है जी, स्लेवली ग्लैंड सीगर्स सलोविया, जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो स्लाइवा खारिज करते हैं। सेकंड है, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड, प्रोटीन की डाइजेशन का आखिरी प्रोडक्ट अमीनो एसिड है। थर्ड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द लिविंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विली, छोटी आंत की लाइनिंग में उंगली की तरह की प्रोजेक्ट वलाई कहलाती है। फोर है, बाइल इज सीक्रेटेड बाय लिवर, बाइल जिगर से खारिज होती है। फिफ्थ है, द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू द स्टोर बाइल, गॉल ब्लैडर का काम बाइल खारिज करना है। नेक्स्ट हमने दुरुस्त क्वेश्चन का इंतखाब करना है। तो पहला जी, अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज नॉट इन कंटेंट विद फूड इज लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा जो खुराक के साथ कनेक्ट नहीं होता वो जिगर है। इन ह्यूमन मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टोमिच, इंसान में हाजमे का ज्यादातर अमल मादे में होता है। सलाइवा इज प्रोडक्शन इन ओरल कैविटी, सलाइवा पैदा होता है ओरल कैविटी में। द फूड डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम सक्रेस बिलोंग टू द न्यूट्रिशन ग्रुप, खुराक जो सक्राइज एंजाइम से हजम होती है न्यूट्रिएंट्स के किस ग्रोह से ताल्लुक रखती है, तो वो है जी कार्बोहाइड्रेट्स। द मस्कुलर ट्यूब लीडिंग फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टोमिच, एक मस्कुलर ट्यूब जो ओरल कैविटी से माथा तक जाती है उसे हम कहते हैं ओएसोफेग्स। जर्म्स प्रेजेंट इन फूड आर किल्ड इन स्टोमिच बाय, मादे में खुराक की मौजूद जरासीम किस के जरिए मारे जाते हैं, तो वो जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, डाइजेस्टिव इंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू, डाइजेस्टिव इंजाइम स्टार्च को तब्दील करते हैं सिंपल शुगर में। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होती है अमीनो एसिड में। डाइजेस्टिव फूड इज अब्सॉर्ब इनटू ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ विली, हजम शुदा खुराक जिसकी दीवारों से खून में जज्ब होता है वो है जी वलाई। नेक्स्ट 10 है, वाटर एंड साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड आर अब्सॉर्ब इनटू ब्लड थ्रू वॉल्स ऑफ, गैर हजम शुदा खुराक से पानी और नमकियात जिसकी दीवारों से खून में जज्ब होती हैं उसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन डाइजेशन, डाइजेशन की तारीफ आपने बयान करनी है। 43 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच लार्ज एंड कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सच स्मॉलर पीसेस विच पास अक्रॉस द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड।
ऐसा अमल जिसमें बड़े और पेचीदा खुराक के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जाता है ताकि छोटे आइंस्टाइन से गुजरकर खून में जजब हो सके। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सेकंड है, हाउ इज च्यूइंग इंपोर्ट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इंसानी इंजामन हजाम में च्यूइंग यानी चबाना कैसे अहम है? आंसर इज च्यूइंग एक्टिविटी मिक्स सालिविया इन द फूड टू मेक इन सॉफ्ट। खुराक को नरम करने के लिए च्यूइंग के अमल से सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है। थर्ड है, नेम द लिक्विड व्हिच इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड से खारिज होने वाले माया का नाम क्या है जी? तो आंसर जो आपने लिखना है वो आपने लिखना है सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइविया। फोर है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओसोफेज इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इंसानी निजाम हजाम में एसोफेक्स का किरदार आपने बयान करना है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 5 था, तो वो मेरे पास मौजूद है। ओसोफेज इज अ नैरो मॉलिक्यूलर ट्यूब थ्रू विच फूड पास फ्रॉम ओरल कैविटी इन द स्टोमिच। ऐसी मस्कुलर ट्यूब जिसके जरिए खुराक ओरल कैविटी से मादा में दाखिल होती है एसोफेक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डू कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स छोटे मॉलिक्यूल्स में क्यों तोड़े जाते हैं? पेज 43 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर, द फूड वी ईट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स ईटीसी। हम जो खुराक खाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स के पेचीदा मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। दीज कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास क्रॉस द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर अब्जॉर्वेशन इनटू ब्लड। ये पेचीदा मॉलिक्यूल्स छोटी आंत में से आर पार नहीं हो सकते और ना ही खून में जजब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स के डाइजेशन के प्रोडक्ट कौन से है? तो ये क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम ग्लूकोज, प्रोटीन की अमीनो एसिड एंड फैट्स रिलीज फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन के बाद ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड और फैट्स फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट स्ट्रक्चर सेक्रेट एंजाइम नेसेसरी फॉर डाइजेशन इन मैन। इंसान में डाइजेशन के लिए एंजाइम कौन सी साख्त खारिज करते हैं? ये भी क्वेश्चन मेरे पास टाइप है। तो आंसर है जी सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रीज आर स्ट्रक्चर सीक्रेट एंजाइम्स सेक्रेटरी फॉर डाइजेशन इन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ आर वीली इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में वलाई कैसे अहम है? ये भी क्वेश्चन टाइप है। तो आंसर है द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ विली एंड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हजम शुदा खुराक वलाई की दीवारों से जजब होती है और खून में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज लार्ज इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट इज डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर मैन। इंसानी इंजाम निजाम में लार्ज इंटेस्टाइन क्यों अहम है? तो आंसर है सम वाटर एंड मिनरल साल्ट आर आल्सो अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर्स। आपने गॉल ब्लैडर्स के फॉल बताने हैं, तो आपने लिखना है गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल। जो गॉल ब्लैडर है वो स्टोर करता है बाइल को। नेक्स्ट 4.4 है, दे गिव आंसर इन डिटेल। डिटेल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डिस्क्राइब एलिमेंट्री कनाल एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। आपने एलिमेंट्री कनाल और इसके मुख्तलिफ हिस्सों की वजाहत करनी है। 45 पेज से आंसर इसका स्टार्ट हो रहा है। एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल इज द लॉन्ग ट्यूब इन आवर बॉडी विच बींग्स एट द माउथ एंड एंड एट द एनस। हमारे मुंह से शुरू होकर आनस के आखिर तक एक लंबी ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। एट डिफरेंट रीजन एलिमेंट्री कैनाल इज शेप इनटू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। एलिमेंट्री कैनाल मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए मुख्तलिफ शक्लों में डेली होती है। द ऑर्गन्स आर ओरल कैविटी, एसोफेक्स, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये ऑर्गन्स ओरल कैविटी, एसोफेक्स, मादा, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन पर मुश्तमिल है।
सबसे पहले मेरे पास ओरल कैविटी है, माउथ लीड्स इनटू ओरल कैविटी, इन द ओरल कैविटी दीज आर प्रेजेंट फोर टाइप ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनिनेस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स विच कट एंड ग्रिंड एंड फूड ड्यूरिंग च्यूइंग फंक्शंस। एट फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी देयर इज अ टंग विच हैज टेस्ट बड्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स विच ओपन इन ओरल कैविटी टू सीक्रेट सलाइवा। You will learn about saliva glands and saliva in section. Chewing activity: mix saliva in the food to make it soft. The well-chewed and soft food is swallowed into the oesophagus through pharynx. Pharynx serves as a passage from food to enter the oesophagus and food air from nose to enter the larynx. Next, second question is what happened food in oral cavity? ओरल कैविटी में खुराक के साथ क्या होता है? पेज 45 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। इन द ओरल कैविटी देर आर प्रेजेंट फोर टाइप ऑफ टीथ विच कट एंड ग्रिंड द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एक्शन। एट फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी देर इज टंग विच हैज द टेस्ट बड्स टू टेस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। देर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स विच ओपन इन द ओरल कैविटी टू सीक्रेट सलाइवा। नेक्स्ट थर्ड है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्टोमिक इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इंसानी इंजाम निज़ाम में मादे के फॉल को अपने बयान करना है। पेज 46 से आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हेडिंग हम बनाएंगे फंक्शन ऑफ स्टोमिच। द मस्कुलर एक्शन ऑफ स्टोमिच वाज मिक्स द फूड विद एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द एसिड हेल्प्स टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड एंड एंजाइम्स टू ब्रेक लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर इंटू स्मॉलर पीसेस। द फूड से अबाउट 4 आवर्स इन स्टोमिच। A semi-liquid food is released from the stomach into small intestine at intervals. Next question number 4, explain the role of small intestine in digestion and absorption of food. 46 page ko par aapko iska answer mil jayega. The enzyme present in pancreatic juice complete the digestion in small intestine. Pancreatic juice mein maujood enzyme small intestine ki khuraak ki digestion mukammal karte hain. The second part of the small intestine has millions of tiny finger like projection called villi. Small intestine ke dusre hisse mein ungli numa chote chote villi hote hain. Each villus contain tiny blood vessels. The digestion food is absorbed through the walls of these villi and pass into the blood stream. Next question number 5, explain the function of liver, bile and pancreas. तो ये क्वेश्चन मेरे पास टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लीवर के बारे में लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ लीवर क्या है। लीवर इज अ ग्लैंड विच प्रोड्यूस बाइल। बाइल इज स्टोर इन ग्लैंड बैटर। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ बाइल है, बाइल एंटर द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल डाइट। बाइल अलोंग विद अदर एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज क्या है, पैंक्रियाज प्रोड्यूस pancreatic juice which enter the first part of small intestine through pancreatic duct. Pancreatic juice consists enzyme which digests the food completely. Next is question number 6, write a note on diarrhea and constipation. So 48 page ke upar iska answer maujood hai. Diarrhea, when food in large intestine is contaminated with toxic matter or infection with bacteria, it stimulated the wave of muscular contraction passing along the intestine to move at a fast speed. जब बड़ी आंत में खाना जहरीले मादे आलूदा या बैक्टीरिया से मुतासर होता है तो आंत के साथ गुजरने वाली मसल्स के सुकड़ने की लहरों को तेज रफ्तारी से हरकत करने के लिए मुतहर्रक करता है। एट रिजल्ट क्या आता है, सेमी लिक्विड फेसेस आर पासिस आउट ऑफ द बॉडी फ्रिक्वेंटली एंड वाटर इज नॉट अब्सॉर्ब properly by the large intestine. This result into storage of water and salts of the body. The water loss can result into dehydration. इसके नतीजे में जिससे में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। पानी की कमी dehydration का बाइस बनती है। Dehydration can be controlled by the use of salt and sugar solution or oral rehydration salt. पानी की कमी को नमक और चीनी के महलूल या oral rehydration salt के इस्तेमाल से control किया जाता है। The patient should use fresh fruit and vegetables. मरीज को ताज़ा फल और सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए। He should use boiled water and freshly prepared food. इससे उबला हुआ पानी और ताज़ा तैयार शुदा खाना इस्तेमाल करना चाहिए।
he should also consult a physician if the problem is not controlled. अगर मसला कंट्रोल ना हो तो उसे मालिश से रजू करना चाहिए. नेक्स्ट मेरे पास कॉन्स्टिपेशन है. इफ अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू स्लोली अलोंग द लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू स्लोली वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रक्शन मोर वाटर इज अब्जॉर्बिंग इन टू द ब्लड एंड फेस बिकम हार्ड एंड ड्राई. ये हजम होने वाला खाना बड़ी आंत के साथ मसल्स के सुकड़ने की सुस्त लहरों की वजह से बहुत आहिस्ता हरकत करता है. Their removal become painful or difficult. It can be controlled by taking medicine which take phase sort of discharge easily. The person suffering from constipation should be plenty of water or fluid and fibrous food, example may fruit and vegetables. Next is the construct response question. So, sabse pehla ye briefly describe the role of the following in the डाइजेशन ऑफ फूड. तो ओरल कैविटी, लीवर और पैंक्रियास के मतलब आपने बताना है. तो सबसे पहले रोल ऑफ कैविटी लिख लेते हैं. माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी विच कंटेन्स टीथ टू कट एंड ग्राइंड फूड एंड सलेवरी ग्लैंड्स रिलीजिंग सिलवा टू मेक फूड सॉफ्ट. नेक्स्ट रोल ऑफ लीवर है जी. लीवर इज ग्लैंड विच प्रोड्यूस बाइल. बाइल इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर. When it enters the small intestine, it helps in digestion of fats. Next role of pancreas. The pancreas produce pancreatic juice. Pancreatic juice enters the small intestine where it helps in complete digestion of food. Next outline आपने बतानी है salivary glands की और gastric glands की. 47 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है. Salivary glands secrete a liquid called salvia in the oral cavity. Salivia contains enzyme which speed up to digestion process in oral cavity. Gastric glands secrete juice in stomach. Liver is gland which produce bile. Next, the protein which speed up biochemical production are called enzyme. State the function of the following. आपने amplices, protease और lips के मतलब आपने बताना है. इस कहाँ से हम लिखते हैं? सबसे पहले हम amplices के मतलब बताएंगे. If In digestion, amylase break down carbohydrates. The protein है वो digest the protein molecules. और lips क्या है जी? Lips break down the molecules of lipids in food. Next investigation question है the role of enzyme. Role of enzyme के मतलब आपने बताना है. Answer है enzyme help in digestion of food. Carbohydrates and digest by enzyme. Amylase proteins are digest by enzyme protease. Lipids are digestives of enzyme lipids. Next, can digestion occur outside the living bodies? You have अपने लिखना है. No, digestion cannot occur outside the living bodies. ठीक है, मेरे पास chapter number 4 है human digestive system.